लेकिन ये तो जब एक्सचेंज बोल के तो फिर धोखाबाजी हो गया। मतलब आप सेकंड हैंड बोल कि ये तो डेंट नहीं है, ठीक है डेंट रहता तो समझ। जबरदस्ती वाला बात में लाखों कस्टमर के सामने जब जाएगा बात तो फिर। लेकिन वही बात है कि एकदम रद्दी मोबाइल हो ना, एकदम रद्दी फ्लिपकार्ट नहीं आ रहा है, हम आ रहे हैं और हमसे क्या है बन रहा है। देखिए अगर आप भी फ्लिपकार्ट से मोबाइल एक्सचेंज करके एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा माथा पेची वाला काम है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। और कई दफा जो है फ्लिपकार्ट वाला बंदा आपका एक्सचेंज पॉलिसी एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कैंसिल कर देता है किसी ना किसी कारण से और आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करा के नया स्मार्टफोन लेना चाह रहे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे रेडमी 9 पावर को एक्सचेंज करा के रेडमी नोट 12 प्रो 5G लिया था, और उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दे दिया है। क्या कुछ हुआ है ना, सारा कुछ पंगा, वो सारा इस वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम नॉलेजेबल वाला वीडियो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा किस तरह से बातचीत करना, साथ ही साथ एकदम रॉ फुटेज रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से खेला होता है एक्सचेंज पॉलिसी में कस्टमर लोग के साथ। इसलिए मेरा ये पर्पस था कि ये वीडियो आपके सामने मैं ला दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बहुत लोगों का डिमांड भी आ रहा था और आप लोग अच्छे से पता है कि ये डिमांड वाला चैनल है। सो इस वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच सके। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि फोन का जो कैमरा का ग्लास होता है ना, वो टूटा हुआ थोड़ा सा, तो वो आपका कैमरा डैमेज में जाएगा। जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ था, कैमरा नहीं टूटा था, ऊपर का जो ग्लास होता है ना वो टूटा हुआ था, तो उस केस में उन्होंने कहा कि ये कैमरा डैमेज में ही जाएगा। तो चलो हमने मान लिया यहाँ पे कि भाई वो ग्लास टूटा हुआ है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका डिटेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जो हुआ ना, आप पूरा वीडियो देखिए एक बार। कैमरा में स्क्रैच तो है, यहाँ है, यहाँ कैमरा में नहीं है, यहाँ पे है कैमरा में। उनका कैमरा का ग्लास में ही है, हाँ यहाँ फेल कर देना कैमरा वाला। ओके फेल, पिक्चर मांग रहा है इसका। सेकंड वाला फेल कल की वही है, कैमरा वाला ही था। कंटिन्यू पहले कीजिए, आगे कंटिन्यू है। नहीं, एक मिनट बैक कीजिए, एक मिनट लिए। पूरा हमारा माथा में दर्द कर दिया है, 14 बार तुमको ऐसे ही करना पड़ता है। अब कौन सा कोड डालें? इंटर 948 था, हाँ वही वाला। अब लिखा रहा फॉर्मेट द डिवाइस, फॉर्मेट कर सकते हैं, बाकी आपका सब में ग्रीन ग्रीन आ गया, एक बार देखिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये जो डिवाइस है पूरा का पूरा जो है पास हो गया है। अगर मान लीजिए वाईफाई खराब है, ब्लूटूथ खराब है, जीपीएस खराब है या फेस आईडी कुछ भी खराब है तो लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा तो फिर आपका जो है प्राइस वहाँ पे कम होगा, तो उसके लिए डिलीवरी बॉय पे ज़्यादा चिल्लाने का नहीं, ठीक है, कहे कि आपका डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे दाम घटेगा ही घटेगा। आप नेक्स्ट प्रोसेस कीजिए। यहाँ से सब ग्रीन हो, मिसिंग है, डैमेज है, डेंट मतलब वही मुड़ा हुआ बॉडी, कहीं डेंट नहीं मारी ना, पास मारी ना उसको, नहीं नहीं डेंट मतलब होता है कि चपटा चपटी होता है। फोटो भेज के हम उसको भेज के देखते हैं क्या बोले, नॉर्मली है। अरे नया नया लड़का सब भर्ती हुआ है, कोई है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल स्क्रैच है, मात्र एक सिंगल स्क्रैच, वो भी साइड में, ना कि डिस्प्ले में है ना कि बॉडी में, वो जो साइड का फ्रेम है ना वो हल्का सा वहां पे स्क्रैच है। अब उस स्क्रैच को लेके ये कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा डैमेज डालेंगे बॉडी में, ये कोई बात हुआ मेरे भाई? मतलब आप बताइए कोई लॉजिक है ये? अब देखिए ना क्या बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखो ना, इसको मतलब ऐसे भेजे हैं ग्रुप में भेजे, देखो फोटो खींच के, थोड़ा डेंट था, हल्का लगा हुआ है, क्या करना, देखो पास होगा कि नहीं होगा, हल्का माइनर है, जो पूछेगा तो पहले बोलेगा डेंट में आएगा। क्या बात कर रही जी, इतनी से है एकदम, जरा सा एकदम डैमेज, क्या है, स्क्रीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो खाली बस वो जो गम लगता है, गम में तो डैमेज। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलो, कैमरा तक में भी नहीं दिख रहा सही से, डेंट में जाएगा बॉडी डेंट में। देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाला बंदा ये मानने को रेडी है कि नया नया बंदा को जो है फ्लिपकार्ट वाला अपॉइंट कर लेता है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इमेज जब भेजते हैं तो मैक्सिमम केसेस पे, मैक्सिमम केसेस 100% केसेस पे जो है वो लोग बोलते हैं कि इसको फेल ही कर दो। और देखिए यहाँ पे भी यही चीज हो रहा है, मतलब इंसान का चेकअप हो रहा का जी, बहुत बहुत जिल्लत है लोग। नहीं नहीं मतलब एक तो बात हमको बताइए, मतलब हम लोग खुद कोऑपरेट करने वाला आदमी है, लेकिन ये जो इतनी से एकदम जरा सा आदमी नया मोबाइल खोज रहा का जी, अब इसके वजह से 1000-2000 रुपए घटा देगा तो सही लगेगा आदमी को। वो कहाँ से करना, स्क्रीन में घटने लगे 2000 रुपए है ना, बॉडी में घटने कहीं नहीं लगे उसको, आप नोट का 500 रुपए काट देगा बेटा। मतलब एक सिंगल स्क्रैच भी रहा ना तो खेला आपके साथ हो सकता है। अगला क्या, अगला तो वहाँ बैठे बैठे जो है वहाँ पे इमेज देखेगा और बोलेगा हाँ फेल कर दो, कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। चलेंगे ऑफिस क्या हमारा,
अभी अभी नहीं किसी टाइम हम रहेंगे। हाँ पास मारी ना, हमको बुलाएगा, हम आने के लिए रेडी है, क्या टेंशन ले रहे हैं। नहीं वो फिर हम यहाँ सबमिट कर देंगे, फिर एजी हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर सब कुछ एजी हो जाएगा तो फिर दिक्कत ये हो जाएगा ना, सबमिट हो जाएगा। हाँ तो सबमिट कीजिए, अगर आपको बोले कि नहीं तुम खराब लेकर आया तो आप हम है ना पीछे से, क्या टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि आप भी देखिए आप भी जेन्युइन आदमी, आप भी जान रहे कि वो नहीं है, ठीक है। तो बात है तो आप तो कोई चीज में आता ही नहीं ना, बॉडी नहीं आता ना बॉडी में, वो देखिए उसका काम क्या, उसको आप बोलिए कैसे करके, तू तो बोल ही देगा यहाँ जो है अब डाल दो डेंट में, उसका कहाँ जा रहा तो हम मेरा जाएगा ना। देखिए इस बंदे को यहाँ पे पूरा समझ में आ गया है कि बैक पैनल में भी कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले में भी कोई इशू नहीं है, एक छोटा सा हल्का सा स्क्रैच है जिसको वो जबरदस्ती डालने का कोशिश कर रहा है, वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है, लेकिन जो कॉल पे बंदा है वो उसको यही गाइड कर रहा है कि इसको आप फेल कर दो, एक छोटा सा डॉट को भी फेल कर दो और अमाउंट आपका फुल कटेगा। आप देखिए ना, हेलो सर, उससे तो हम कहते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले नहीं है तो ज्यादा अच्छा। ग्रुप में एक फोटो भेजे थे, वो खाली गम में नहीं, गम में हल्का सा खरिया है, खरी को जिससे दबा हुआ, तो मतलब डेंट ना आ रहा, बॉडी में आ रहा, किस चीज़ में डेंट क्यों बोल रहा उसको? डेंट डेंट है ये, नहीं तो डेंट कहाँ से? डैमेज क्या चीज़ का, क्या चीज़ में डैमेज करे उसको? स्क्रीन में जबरदस्ती का बॉडी में, अरे तो इसको कहाँ डैमेज कीजिएगा, मतलब वो बोल देगा तो मान लेगा आदमी, हमको तो प्रोसेस से काम करना पड़ेगा ना। अरे हम जान रहे हैं आप प्रोसेस से काम, लेकिन आप तो अपना आंख से देख रहे हैं ना, हम देखे वो लोग भी बोलते हैं ऐसे, ये तो गलत बात है, तो प्योर गलत बात है। आप मतलब आपको क्या ही हम बोले अभी इसमें, हम इसमें आप पास कीजिए, क्या कर सकते हैं, क्या मतलब है, देखिए ना अगर टूटा रहता तो हम तो खुद ही बोल देते हैं कितना का ये होता है, कुछ करके देख कितना ज्यादा वैल्यू नहीं आ रहा है। अरे हम देखिए मतलब रिलेशन खराब होता है आदमी से, देखिए आपसे हमको दिक्कतें नहीं, हम जान रहे आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती वाला बात है ना, ये जबरदस्ती वाला बात में लाखों कस्टमर के सामने जब जाएगा बात तो फिर क्या बोलेगा आदमी। हम चाहते हैं क्या है, चार्जर बॉक्स दीजिए क्या, चार्जर दे देंगे, बॉक्स नहीं, नहीं तो उसमें एक ही टिको ऑप्शन है, फेल करना होगा तो चार्जर नहीं देंगे फिर, ठीक फेल कीजिए। तो यहाँ पे इनका कहना कि अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो इसका भी अमाउंट कट जाएगा, अगर आप चार्जर दे देते हैं तो भी उसका अमाउंट ऐड नहीं होता है, यानी कि चार्जर बॉक्स एक साथ दीजिएगा तभी जो है आपको अमाउंट मिलेगा, नहीं तो वो भी क्रॉस में ही जाने वाला है। कैमरा इशू में लीस है, क्रैक ऑन स्क्रीन में नहीं लीस है, डेंट ऑन बॉडी में लीस है, और बॉक्स और चार्जर में, तीन चीज में फेल हुई है ना, लीजिए तीन तो है। अब देखिए यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ट्राई भी कर रहा हूँ कि जो वैल्यू मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने यहाँ पे 8,000 रुपए दिखाया था वो वैल्यू मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बंदा बोल रहा कि भैया आप उनसे नहीं दी सकते हो, जबरदस्ती का आपका वो फेल कर देगा अगर छोटा सा भी पॉइंट वाला भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप सुनिए क्या चीजें वो बोल रहा है, मैं बहुत सारी यहाँ पे अंदर की बातें भी निकालने की कोशिश करता और उन्होंने सारी चीजें बताया भी, आप समझिए क्या होता है। ऊपर में लिख भी दिया तीन टू टेस्ट फेल है, कंटिन्यू। अब है आपका वैल्यू कितना लगाया, अब एक है देखिए पिकअप करवाइएगा, पिकअप बोले तो जो आपको ये मोबाइल देना है हाँ। तो आपको देना होगा 18,518 रुपए, ठीक है, और डिटेच करना, अगर फोन नहीं देना है हाँ। आपको देना है 25,000, और मतलब जो फोन का वैल्यू है 25,000 वो देना है, तो मतलब फोन का वैल्यू कितना पड़ा, हमको वैल्यू नहीं लिख रहा ना वहाँ पे, इससे डिस्काउंट करें, इससे इससे डिस्काउंट कर, डिस्काउंट करें बोले तो माइनस करें 25,000, तो ऐसे कर देते हैं, क्या किया जाए नहीं हम, अच्छा चलिए ठीक है, वो तो हमको खाली इतना बताइए, देखिए मोबाइल वा देखें, ये आपके हिसाब से मान लीजिए आप यूजर हैं, ठीक है, एक चीज हो सकता है इसमें, पता है कोई गम वगैरह है ना, इसको पेस्टिंग कर सकते नहीं ना, वो फिर खराब हो जाएगा। देखिए अभी देखिए आप, हम समझ आप जो बोला हमने कुछ हम सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, खाली एक मिनट हमको दीजिए, मान लीजिए आप नॉर्मल यूजर हैं, ठीक है, आप एक्सचेंज करा रहे हैं, ठीक है, आप एक्सचेंज करा रहे हैं तो ये जो है आपका थोड़ा सा जो निकला हुआ है जरा सा भी, ये अगर आपको कोई बोलेगा इसका दूध हम काट लेंगे तो कैसा लगेगा? हम नहीं देंगे, हैं? नहीं दीजिएगा ना, सीधा सीधी बात करना है, यस और नो में, यस और नो में, लेकिन ये तो जब एक्सचेंज बोल के तो फिर धोखाबाजी हो गया, मतलब आप सेकंड हैंड बोल के नया मांग रहे हैं मोबाइल, आप उससे बहस नहीं कर सकते, क्यों पता है, क्यों फ्लिपकार्ट है नहीं, हम लोग को भेजा गया और हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, चलिए ठीक है, ये तो जो भी इसका वैल्यू अलग चीज है, ये हमको मान लीजिए कहीं कंप्लेन करना है तो कहां में इसका कंप्लेन करेंगे? मान लीजिए कि ये तो डेंट नहीं है, ठीक है, डेंट रहता तो समझ में आता, डेंट वाला भी है मेरे पास मोबाइल, किधर गया, ये मोबाइल का वैल्यू निकलेगा ना तब समझ में आएगा, डेंट और स्क्रीन डैमेज किसको बोलते हैं, ये है स्क्रीन डैमेज, समझे, देखिए देखिए स्क्रीन डैमेज बोलते हैं, इसको डेंट किसको बोलते हैं, हल्का सा बैंड है, इसको बोलते हैं मुड़ा हुआ, डेंट में आता है, स्क्रैचेज, आज से पहले 2-3 साल पहले पता है कुछ स्विच जैसा
कैसे बॉडी आया, पहले मेटल बॉडी था, एक कुछ इसे गिरा तो माय सुइया जैसा था, हमको ऊपर से मैं कॉल आया था, ऊपर से कॉल आ गया था कि आप कैसे करते हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि आप ये डेंट वाला उठा लिए हैं? हमने सर फर्स्ट टाइम था, गलती हो गया, हमको एकदम माइनर लगा, लेकिन अपने हिसाब से हम किसी हिसाब से तो उसे काम करें। देखिए हम मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई डिलीवरी बॉय के साथ दिक्कत नहीं है, समझे ना, कि आप तो बोल दिए, आप कैसे बोले कि एक पिंड एकदम हल्का सा था और उसमें आपको टोक दिया आदमी, लेकिन वही बात है कि एकदम रद्दी मोबाइल हो ना, एकदम रद्दी एकदम वो मोबाइल दीजिए, नहीं तो फिर मत दीजिए, खुश नहीं रहिए, नहीं तो खुश नहीं रहिए, ठीक है मार दीजिए, अभी पहला वाला फोन देना, हाँ फोन देना, इतना मेहनत करवाए आपसे तो आपको क्या लगता कि हम ये करेंगे? नहीं उससे हमारा इस बेनिफिट, हम तो जाएंगे मेरा कस्टमर खुश रहे, हम फ्लिपकार्ट नहीं आ रहा है, हम आ रहे हैं और हमसे क्या है बन रहा है, हम खेल रहे हैं हम लोग, बस वही चीज है, हम भी वही जानते हैं फ्लिपकार्ट कितना बड़ा स्टार्टिंग में क्या करता था और अभी के टाइम में फ्लिपकार्ट क्या करता, हमको बहुत अच्छे से पता है, माथा का दर्द बना दिया हम लोग का, ये पैसा गिन लीजिए, पैसा रेडी है, थोड़ा कैश मेरे पास है, लीजिए गड्डी पकड़िए, थोड़ा गिनिए, अरे आप क्या कीजिए, पहली बार हम आपको दे रहे हैं ऐसा, नहीं तो आपको तो पता है मेरा झमेला नहीं रहता है, डायरेक्ट ऑनलाइन मारते हैं हम, खसा कर दे रहे एकदम, आराम से कितना है, तो जब तक भैया जी कैश गिन रहे हैं तो यही होता है पूरा फुल एक्सपीरियंस, एकदम छोटा सा भी अगर फोन में डेंट है या कुछ है तो इनके ऊपर आ जाता है बात, ठीक है, जो पैसा आया था गाइज वो पैसा हम लगा दिए इस फोन में, निकाल के लाए हैं, देखिए यही पैसा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, किस बेसिस पे आपको यहाँ पे स्मार्टफोन को एक्सचेंज कराना मेरे भाई, अगर आपका स्मार्टफोन एकदम रद्दी है ना तो आप बिल्कुल जो है स्मार्टफोन को एक्सचेंज करवा लीजिए, अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा नया है ना तो भाई उसका वैल्यू वही मिलेगा जो अदर कस्टमर को मिल रहा, थोड़ा सा भी स्क्रैच निकल गया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि थोड़ा सा स्क्रैच था, एक पॉइंट का स्क्रैच था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बॉडी को ही पूरा डैमेज कर डाला। कैमरा की जहां तक बात है तो ग्लास में डैमेज था, वो मैंने यहाँ पे एग्री कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चार्जर भी चलो एग्री कर लिया, बॉक्स मेरे पास नहीं, तो चलो मैंने एग्री कर लिया वहां पे, लेकिन बॉडी डैमेज ये बहुत ही ज्यादा गलत है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको स्मार्टफोन को एक्सचेंज कराना है, वही स्मार्टफोन को एक्सचेंज करवाइए जिसको आप अच्छे तरीके से यूज कर लिए, यानी कि आप उसका पैसा वसूल कर चुके हैं, उसके बाद उसको एक्सचेंज कराइएगा, वैल्यू भी ठीक मिलता है। अब यहां पे फ्लिपकार्ट वाला ये भी तो नहीं कहता कि भाई हमको नया स्मार्टफोन दे दो एक्सचेंज के नाम पे, आएगी सीधी सी बात है ना कि अगर आप मोबाइल फोन को एक साल दो साल तीन साल यूज करते हो तो एक सिंगल स्क्रैच तो आएगा ही आएगा ना, अब उसको लेकर पूरा का पूरा बॉडी का डैमेज तो नहीं डाल सकते, आप उसको जो है रेटिंग दे सकते हो, गुड एवरेज या फिर एक्सलेंट, इस टाइप का आप रेटिंग दे सकते हो जिससे जो है प्राइसिंग उतना ज्यादा डिग्रेड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या खेला होता कि पूरा का पूरा जो है प्राइस ही आपका कट डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिला था वो 6,500 मिला था, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन को परचेज कर लिया, कहे कि मुझे आप लोगों को यहाँ पे रेडमी नोट 12 प्रो 5G का जो है यहाँ पे रिव्यू देना था, इसलिए मैंने उसे परचेज कर लिया। बाकी अगर आपका स्मार्टफोन एकदम रद्दी है ना मेरे भाई तभी जो है एक्सचेंज करिए, अदरवाइज जो है कराने का कोई भी फायदा नहीं है, प्राइस जो है एकदम डिग्रेड होता ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपका फोन का अच्छा प्राइसिंग मिल रहा तो बेशक जो है आप उसे जो है वहां पे एक्सचेंज करा के आप अपना मन पसंद वाला मोबाइल फोन ले सकते हो, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एक्सचेंज पॉलिसी के ऊपर वीडियो बना दिए, क्या बातचीत होती उसके ऊपर जरूर से उनको जानना था, इसलिए मैंने यहां पे पूरा का पूरा वीडियो शूट करके अच्छे तरीके से यहां पे आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा ना तो कलेजा बहुत ही अच्छा फील होता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन टाइप का भी मिल जाता, सब्सक्राइब भी कर लेना चाहते थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए।